हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल एंड हैप्पी टुडे। सो आज है 17 दिसंबर और अभी बज रहा है 11:06 और मैं जा रहा हूं भी अपने ऑफिस की तरफ नोएडा एक्सप्रेस वे से। वैसे ये जो व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ ये डेली व्लॉग नहीं है। अब इस वीडियो को बनाने का पर्पस क्या है ये सब आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो एक्चुअल में जो OLX फ्रॉडस्टर्स हैं, जो OLX पे फ्रॉड कर रहे हैं, उनसे बचने के लिए आपको एक अवेयरनेस वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि जो वीडियो है अच्छे से अच्छा बने और फिर आपको हेल्प करनी है इसको सक्सेसफुल करने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको 30 सेकेंड के अंदर बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। आज के टाइम में हम लोग जो है OLX हर जगह यूज़ करते हैं, हर टाइम यूज़ करते हैं, 24 घंटे यूज़ करते हैं। तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट OLX पे बेचते हैं तो अब क्या हो रहा है, काफ़ी सारे फ्रॉडस्टर्स जो है कॉल करते हैं कि जी मुझे आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, मैं आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहता हूँ, पर मैं अभी आपकी लोकेशन पे नहीं आ सकता, मैं आपको कुछ एडवांस भेज देता हूँ, बट आप प्लीज़ ये किसी को देना मत। वो आपसे इतना फ्रेंडली बात करेंगे कि आप कहेंगे हाँ भाई जेन्युइन बंदा है, ये कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, राइट? तो अब सीन क्या होगा कि वो बंदा आपको बोलेगा कि मैं आपको 1000-2000 जो है एडवांस भेज रहा हूँ, आप मुझे अपना गूगल पे नंबर दो। तो वो बंदा आपको भेजेगा एक UPI रिक्वेस्ट, ना कि वो आपको पे करेगा, वो आपसे उतने ही अमाउंट का एक रिक्वेस्ट भेज देगा और बोलेगा कि भैया मैंने आपको पेमेंट रिक्वेस्ट भेजी है, अप्रूव कर दो, तो पैसे आपके पास पहुंच जाएंगे। बट सीन ऐसा नहीं है दोस्तों, आप जैसे ही उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, पैसा आपके अकाउंट से कट के उसके पास चला जाएगा और फिर वो आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। ये जो पूरा फ्रॉड सिस्टम है मैं आपको इसका लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा कि कैसे हो रहा है और अपने साथ करके दिखाऊंगा। हालांकि आप टेंशन मत लो, मैं उनको कोई पैसे नहीं देने वाला, बट मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि कैसे कैसे ये फ्रॉड होता है, किस तरीके से लोग फ्रॉड कर रहे हैं। तो अब आप देखेंगे जो भी ये फिल्म मैं बनाने वाला हूँ, तो चलिए इनकी फिल्म बनाते हैं। तो अभी मुझे चाहिए कोई अच्छी सी लोकेशन जहाँ पे मैं अपनी बाइक को खड़ी करके उसकी पिक्स क्लिक करूँगा। तो लेट्स डू इट। सो आई थिंक ये जगह परफेक्ट रहेगी फोटो खींचने के लिए। उप्स, गड्ढा है ये। पिक्स क्लिक कर लिए, अब सीधा पहुंचता हूं ऑफिस और ऑफिस से अपलोड करूंगा इनको OLX पे। ओके तो ये मैं अभी अपना ऐड यहाँ पे डिटेल्स के साथ सेव कर रहा हूँ और थोड़ी देर में ये जो ऐड है अप्रूव हो जाएगा। 2 या 4 सेकंड का टाइम लगता है। तो ये पूरी डिटेल्स फिल हो गई हैं, पिक्स डाल दी हैं। जैसे ही मेरा ऐड अप्रूव हुआ मेरे ऐड पर व्यूज आने लगे। जो सबसे पहला बायर था वही सस्पेक्टेड फ्रॉड निकला। OLX की क्लियर वार्निंग वहाँ पे लिख के आ रही थी, प्लीज डोंट कम्युनिकेट विद द यूजर और एक्सचेंज एनी मनी और आइटम। पर फिर भी मैंने उसको रिप्लाई किया क्योंकि मैं एक फ्रॉड को फंसाना चाह रहा था। तो उसके बाद तो उस बंदे का रिप्लाई नहीं आया, बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरे पास एक कॉल आता है और वो कॉल की रिकॉर्डिंग अब आप सुनेंगे, ये रही। हेलो, नमस्ते भैया, और बाइक के लिए कॉल किया था भाई। भैया उसका लास्ट प्राइस कितना होगा? मैंने तो 45 लिख रखा है भाई। हाँ 45 डाल रखा है आपने, इसका थोड़ा और कम नहीं हो सकता क्या? कम जब आप देखने आओगे तब बात कर लेंगे उसके लिए। ऐसे बाइक देखने आओगे तब बात कर लेंगे, नेगोशिएशन तब कर लेंगे। अरे वही तो बता रहा भैया, मेरे को 4-5 दिन का टाइम लगेगा, आप बता देते तो मैं आपके लिए बयान डाला देता, कुछ आप गाड़ी रोक सकते हैं। मैं 8 घंटे रहता हूँ। 4-5 दिन गाड़ी रोक लो, 4-5 दिन गाड़ी रुकी हुई है, टेंशन ना लो। ये बोल रहे थे मेरे को बयान ले लो 4-5 हज़ार रुपये, लेकिन 4-5 दिन का आपको वेट करना पड़ेगा सर। मतलब समझा नहीं आपके पास। ये बोल रहा हूँ सर, आपको 4-5 दिन का वेट करना पड़ेगा, चाहे मेरे से 2-4-5 हज़ार रुपये बयान ले लो आप। बयाना कैसे लूंगा, आप तो आई नहीं रहे हो। हाँ आई नहीं ले दूंगा मैं अपनी। कैसे? मैं व्हाट्सअप कर दूंगा आपको अपना आधार कार्ड। अच्छा ठीक है, कर लेना आप जो प्रोसेस करना है। ठीक है, गाड़ी बेचूंगा नहीं मैं, लास्ट प्राइस मेरा पड़ जाएगा 40 पड़ जाएगा। ठीक है, ओके ओके। और मैं गूगल पे का नंबर दे दो मेरे को, मैं उस पर यही वाला नंबर, एक ही नंबर है मेरे पास। अच्छा अच्छा ठीक है सर, मैं इस पे करा दूंगा। अभी यहाँ पे कितना पैसा लगा दुकान पे? मतलब मैं पूछ रहा हूँ एडवांस आप कितना भेजोगे?
अभी मैं आपको 5000 रुपए डला देता भाई। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा फैजान खान भैया। आप ही के नाम से आएंगे पैसे? हाँ सर मेरा ही नाम पहुँच गया। ठीक है अपनी आईडी भी इसी नंबर पे भेज देना तो मैं कागज वगैरह रेडी करवाऊंगा सर। ठीक है। हेलो हेलो हाँ जी हाँ जी दो तीन बार कोड डाल दो मेरे बार में करके डाल कर। कहाँ पे आपने भेजा किस पे? आपने मतलब क्या कराया? गूगल पे कराया? क्यूआर कोड डाल दो पैसा डालने के लिए आया था। अच्छा अच्छा चेक कर रहा हूँ चेक कर रहा हूँ। हेलो हेलो कहाँ भेजा है भाई? मुझे मिला नहीं आपका कोई कोड वोड। नहीं ये बोल रहा आप क्यूआर कोड डाल दो पैसा डालने के लिए आया। मतलब मैं अपना भेज दूँ आपको? क्यूआर कोड पैसा डालने के लिए आया था भाई। अच्छा अच्छा तो आप वैसे नंबर पे भेज दो ना गूगल पे से। क्यूआर कोड कहाँ से निकालूँ मैं? नहीं जा पा रहा है नंबर मैं अभी करा के देखा है। तो फिर अकाउंट नंबर ले लो अकाउंट नंबर में डाल दो। मैं बैंक में नहीं जा पा रहा है भाई आप तो कर देगा। अच्छा अच्छा पेटीएम का क्यूआर कोड भेज दो। सुबह में शॉप वाले से बात कर रहा था उन्होंने बोल के भेज रहा। हेलो हेलो हाँ जी भैया गूगल पे का क्यूआर कोड होता है ना डिस्प्ले क्यूआर कोड तो आप गूगल पे नंबर पे करवा दो ना भाई। आप मेरे पास गूगल पे नहीं है मेरे पास पेवन है। पेवन से मैं तुम्हारे क्यूआर कोड को स्कैन करके तुम्हें डाल दूंगा। क्या है आपके पास? पेवन ऐप रहता है पेवन ऐप है उसे मैं तुम्हें गूगल पे में स्कैन करके तुम्हारे कार्ड उसको क्यूआर कोड को तुम्हें डाल दूंगा पैसे। ये बोल रहा हूँ मैं आपसे मेरे को इसमें समझ में भी नहीं आ रहा भाई। आप गूगल पे खोलो गूगल पे खोलना मैं बताता हूँ आपको। गूगल पे तो खुला होगा मेरा तो इसमें सबसे ऊपर आपके नाम आ रहा होगा आईडी आ रही होगी दूसरी साइड में तीन बिंदी आ रही होगी छोटी छोटी। हाँ 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 तीन बिंदियों पे क्लिक करेंगे तीसरे नंबर पे डिस्प्ले क्यूआर कोड आ रहा होगा लिखा हुआ उस पर डिस्प्ले क्यूआर कोड पे क्लिक करो फिर तुम्हारा क्यूआर कोड निकल के आ जाएगा उसी का स्क्रीन शॉट लेके मुझे व्हाट्सएप करा। अच्छा अच्छा ठीक है। हेलो 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 हाँ जी भैया। हाँ भैया अपना गूगल पे ओपन करना मैं डाल रहा हूँ पैसे। गूगल पे तो ओपन ही है इतना ओल्ड ट्रांजेक्शन है गूगल पे में ओल्ड ट्रांजेक्शन समझा नहीं मैं। ओल्ड ट्रांजेक्शन का ऑप्शन है भैया गूगल पे में न्यू आ रहा है इसमें तो न्यू न्यू आ रहा है। नीचे देखो चेक बैलेंस होगा ऑल ट्रांजेक्शन होगा या ऑल एक्टिविटीज होगा नीचे। अच्छा चेक बैलेंस हाँ जी आ रहा है आ रहा है। ऑल ट्रांजेक्शन पे क्लिक करो। हाँ कर दिया। एक मिनट अभी उसमें 10,000 शो कर रहा है ऊपर? नहीं मेरे में तो मेरा ही पैसा आ रहा है। नहीं अभी 10,000 आ रहा होगा ऊपर ऑल ट्रांजेक्शन में सबके ऊपर आ रहा है। हाँ उस पर क्लिक करके ट्रेसेस टू पे करके अपने अकाउंट में जमा कर लो भैया वो। हाँ तो तुमने उस पर क्लिक करना 10,000 पे ट्रेसेस टू पे करके अपना जमा कर लो अकाउंट में। ठीक है मैं फोन काट रहा हूँ थोड़ा जल्दी करना भैया। ठीक है हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक हाँ भाई एक ही आ रहा है एक्सपायर्ड वाला 5,000 रुपए का उस पर एक्सपायर्ड लिख के आ रहा है। दूसरा नहीं आ रहा? दूसरा ही नहीं रहा ना 10,000 वाला आया था यार। क्यों मजे ले रहे हो भाई? नहीं भाई आपका स्क्रीन शॉट भेजूं आपको? स्क्रीन शॉट डालना है इसका। ठीक है इसमें उसका और ट्रांजेक्शन का मैं लाइन दूँ डालना। ओके हाँ एक बार अपना बैंक बैलेंस चेक करके और स्क्रीन शॉट डालना। ठीक है ठीक। हेलो हेलो हाँ भाई। हाँ वो ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं बैंकिंग वाला पीएनबी का। है भाई पीएनबी वाला इंटरनेट बैंकिंग ऐप डाउनलोड कर रहे हैं। पीएनबी वाला क्यों कर रहे हो? तो स्टेटमेंट भेजेंगे ना आपको। स्टेटमेंट मत भेजो अभी इसमें इसमें नहीं हो रहा है गूगल पे में बैंक बैलेंस चेक। नहीं बैलेंस तो चेक हो जाएगा मैं आपको स्टेटमेंट भेजूंगा कि आपके पैसे नहीं आए। मेरे पैसे तो दिखा रहा है। मेरे नहीं है भैया मेरे नहीं गए। मैं नहीं कह रहा आपसे मेरा गया मेरा नहीं गया सुनो। हाँ भैया अभी देखो जैसे ऑल ट्रांजेक्शन में चेक करके मैंने अभी डाला इसको करके देखना एक बार आ गया कि नहीं आया देखो। हाँ अभी देखो उसने 10,000 डाला मैं देखना आ रहा है क्या। ठीक है देखते। हेलो मोहित भाई फोन पे इंस्टॉल कर लिया मैंने वो लॉग इन हो गया। अकाउंट बना लिया उसमें? नहीं अकाउंट तो पहले ही से बना था लॉगिन करना था बस कर लिया लॉगिन। एक बार बैंक बैलेंस चेक करके देख लो उसमें। बैंक बैलेंस तो वही है सेम अकाउंट सबके से मेरा शो कर रहा है ना तुम्हारा फोन पे में? मेरा तो शो कर रहा है आपका वाला तो कैंसिल कर दिया। हाँ वो कैंसिल हो गया। एक मिनट अब इसमें घंटी है ऊपर घंटी फोन पे खोलो मैं लाइन पे हूँ। हाँ घंटी वाला साइन है कुछ नहीं आ रहा उसमें। घंटी खोल कर रखो एक मिनट वन मिनट। अच्छा हाँ ठीक ठीक जीरो आ रहा है। अब आ रहा है अब आ रहा है घंटी में। एक मिनट एक मिनट आ रहा है। हेलो रिफ्रेश कर रहा हूँ रिफ्रेश कर रहा हूँ। हाँ कर लो आ रहा भैया। हाँ हाँ 10,000 का आ रहा है। पे करके सेंड करो अपने अकाउंट में जमा करो हो गया। एक पे करके सेंड करो। हाँ जी हाँ जी हो गया कर रहा हूँ डाल रहा हूँ। क्या भैया डाल रहा हूँ डाल तो डिक्लाइन पे क्लिक हो गया गलती से। क्या भैया डिक्लाइन पे क्लिक हो गया गलती से। डिक्लाइन पे क्यों कर दिया यार? दोबारा भेज दो करता हूँ। एक बार फिर से भेज दो आप भाई। अब देखा आ रहा है भाई क्या आ रहा है दोबारा दोबारा क्या आ रहा है भाई। हाँ हाँ ठीक ठीक अभी नहीं आया रिफ्रेश करता हूँ। आ गया आ गया आ गया। हाँ पे करके सेंड करके जमा करो ना भाई आप। हाँ हाँ बस एक एक मिनट का टाइम दो आपको अलग दो बस हो जाएगा एक मिनट में। ठीक है हेलो हेलो हाँ भाई। हाँ डाल दिया मैंने पासवर्ड। ठीक हाँ बस वो हो गया ओके हो गया वो। फिर क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा वो तो आ रहा है कि पेड लिख के आ रहा है।
मेरे अरे यार भाई, मुझे तो लग रहा है कि आप मुझे ले रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो आप खुले आऊंगा। तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं मैंने, तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं, ठीक है। The next day. तो फ्रेंड्स सुना आपने कि किस तरीके से ये लोग जो है फ्रॉड कर रहे हैं। टाइम हो रहा है 11:08, डेट है 19 दिसंबर। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल एंड हैप्पी टुडे। सो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा आपको कि कैसे कैसे ये फ्रॉड हो रहा है। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया है कि आप लोग क्या करते हैं, उसके बाद आपके साथ क्या होता है और कैसे ये फ्रॉड होता है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि जो लोग भी OLX पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल करने पे ही ऐसा हो रहा है। इन केस यू आर गोइंग टू बाय एनी प्रोडक्ट, सेम थिंग हैपन टू यू। लाइक अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो वो बंदा आपसे बोलता है कि आप मुझे कुछ एडवांस पे कर दो तो ये मैं आपका प्रोडक्ट किसी को नहीं दूंगा। मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ कि आप सोच रहे होंगे जब इस तरीके का फ्रॉड हो रहा है तो हम कंप्लेंट कर देते हैं या इनको रिपोर्ट कर देते हैं। रिपोर्ट आप करें वेल एंड गुड है, आप जितना इनको रिपोर्ट करेंगे तो इतने फ्रॉडस्टर्स के जो प्रोफाइल हैं वो कम हो जाएंगे। बट आप ये बात मान लीजिए, आप जितने भी प्रोफाइल रिपोर्ट करेंगे फ्रॉडस्टर्स उतने ही प्रोफाइल नए बनाएंगे, राइट। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको रिपोर्ट ना करें, आप उनको रिपोर्ट करें तो मैक्सिमम प्रोफाइल जो है ब्लॉक हो जाएंगे। अब आती है बात इनकी कंप्लेंट की। अगर आप इनका कंप्लेंट कर भी देते हैं तो भी ये जो है एक तरीके से केसेस निगलेक्ट हो जाते हैं जब तक कि कोई बड़ा केस नहीं होता। हालांकि पुलिस ने कई बार OLX फ्रॉड्स को पकड़ा है जिन्होंने करोड़ों के फ्रॉड करे हैं, बट ये जो हजार हजार रुपए के फ्रॉड होते हैं ना, इन पे कभी कोई एक्शन नहीं हो पाता मेरे दोस्तों, क्योंकि हजार रुपए के पीछे कई लोग होते हैं जो पुलिस वालों के पास जाना नहीं चाहते। तो इसलिए आपको ही अवेयर होना पड़ेगा। सो आई होप फ्रेंड्स मैंने जो तरीका आपको समझाने के लिए अपनाया वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि अगर ये फ्रॉड उनके साथ हुआ है तो वो और जागरूक हो जाएं, अगर नहीं हुआ है तो पहले से सतर्क हो जाएं। आई थिंक बाइक पे बैठ के काफ़ी सारी बातें कर ली हैं, तो चलिए एक बार फिर आपसे आमने सामने बात करते हैं। सो हे गाइस, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोशिश करें कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो फ्रॉड हो रहे हैं हम इन फ्रॉड्स को रोक सकें और अपने साथियों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को हम अवेयर कर सकें। तो प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा है इन फ्रॉड्स से निपटने का, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करने और शेयर करने के साथ साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल मोहित सोनी को सब्सक्राइब भी करें। और आपका सपोर्ट अगर रहेगा तो मैं आगे आने वाले टाइम में और भी अच्छे वीडियोस और मोटो व्लॉग्स लाऊंगा। और दैट्स इट फ्रेंड, फिलहाल काफ़ी रात हो गई है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया इस टाइम पे, तो सोने का टाइम है, तो मैं अभी सोने जा रहा हूँ। बाकी अब आपके ऊपर है फ्रेंड्स, दैट्स इट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। साइनिंग अप फॉर नाउ एंड टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।